2005 जो है किसी को भूलना नहीं चाहिए, भजन लाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सारे एमपी एमएलए जो थे भजन लाल जी के साथ थे, लेकिन जो है भजन लाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। काम करने आए हैं लोगों के लिए, और हमारे को नहीं परवाह किसी की भी, कौन क्या करना चाहता है नहीं करना चाहता। हम अपने काम के लिए आए हैं, काम करेंगे, जनता का ठोक बजा के करेंगे, और नियत ईमानदारी के साथ करेंगे, बेदाग छवि के साथ करेंगे। आज मत से भावी मुख्यमंत्री किरण चौधरी के नाम के नारे भी लगे, तो वो देखो ये जो जनता है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, और हर एक को ये होता है कि उसका नेता आगे बढ़े। तो हम भी जो हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग सारे के सारे, मैं हूँ चाहे रणदीप जी हों, चाहे शैलजा जी हों, चाहे हुड्डा जी हों, चाहे मैं हूँ, हम सारे के सारे उस पंक्ति के लोग हैं। तो दोनों गुटों में कभी समझौता होगा? अब ये समझौता की बात, हम अपने कांग्रेस की बात करने आए हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी की जय बोलने के लिए, और इलाके को विकास देने के लिए, जो पहले करके दिखाया है। अब कोई ऐसे तो फालतू फंड तो हम करते नहीं है, पहले श्रुति ने काम करा है, लोग जानते हैं यहाँ पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था कि जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, हाईकमान इसका फैसला करेगा। तो दूसरी तरफ दोनों मंचों पे जब भी आप चार लोग नेता जाते हैं तो सबके मन से भावी मुख्यमंत्री के नारे लगते हैं। मैंने आपको बताया ना, सारे जो है कांग्रेस की मजबूती क्या है, कांग्रेस की मजबूती ये है कि हम चार जो है सक्षम नेता है हरियाणा के अंदर, और ये सारी जनता जानती है, समझ रहे हो ना। और जहाँ तक मुख्यमंत्री बनाने वाली बात है, पहले पार्टी पावर में आए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की बात होगी। दूसरी बात जो है, कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो अब आगे की बात है, जिसकी किस्मत होगी वो बन जाएगा। अपने लड़ाई तो सबने लड़नी है ना, और वो लड़ाई उस समय भी लड़ी गई थी 2005 जो है किसी को भूलना नहीं चाहिए, भजन लाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सारे एमपी एमएलए जो थे भजन लाल जी के साथ थे, लेकिन जो है भजन लाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया।